कोरोना करवाएगा बॉलीवुड में बड़ी भिड़ंत। कोरोना की वजह से होगी बॉलीवुड में बड़ी टक्कर। टकराएंगे बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार वर्सेस अजय देवगन। कोरोना की वजह से फिर से कई जगह थिएटर बंद हो गए हैं और फिल्मों की रिलीज टल रही है। ऐसे में फिल्मों की रिलीज डेट आगे खिसकेगी तो टक्कर तो होगी, और ऐसी ही एक टक्कर हो सकती है अक्षय कुमार और अजय देवगन के बीच। लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये फिल्म आगे खिसक गई है। अक्षय की पृथ्वीराज अब 21 जनवरी को रिलीज नहीं हो रही, और कहा जा रहा है कि अब ये फिल्म इस साल ईद पर रिलीज हो सकती है। और ईद पर ही रिलीज होनी है अजय देवगन की फिल्म रनवे 34। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह भी नजर आएंगे। इस फिल्म का नाम पहले मेडे था, जिसे बदलकर अब रनवे 34 कर दिया गया है। रनवे 34 एक थ्रिलर है और इस फिल्म को अजय देवगन ने ही डायरेक्ट किया है। वहीं पृथ्वीराज यशराज बैनर की बड़ी फिल्म है। इस फिल्म से यशराज बैनर को काफी उम्मीदें हैं। फिल्म तो अकेले ही रिलीज हो रही थी, लेकिन कोरोना ने खेल खराब कर दिया और अब ये फिल्म अजय की फिल्म से टकरा सकती है। वैसे अजय देवगन और यशराज बैनर की टक्कर पहले भी हो चुकी है। सन ऑफ सरदार और जब तक है जान में मुकाबला हो चुका है और दोनों ही फिल्में कामयाब रही थी। कहा जा रहा है यशराज बैनर को पहले ईद पर पठान रिलीज करनी थी, लेकिन अभी पठान की शूटिंग पूरी ही नहीं हुई है। शाहरुख अपने बेटे आर्यन का ड्रग्स केस में नाम आने की वजह से फिल्म की शूटिंग नहीं कर पाए थे, और अब कोरोना की वजह से भी फिल्म की शूटिंग में देर होगी। यानी पठान तो ईद पर नहीं आएगी, तो पृथ्वीराज और रनवे 34 की टक्कर हो सकती है। बॉलीवुड वाले आमतौर पर कोशिश करते हैं कि फिल्मों का क्लैश न हो, क्योंकि इससे नुकसान होता है। फिल्मों की रिलीज डेट्स इसी हिसाब से अनाउंस भी की गई थी कि क्लैश का चांस न रहे, लेकिन कोरोना की वजह से अब जब कई फिल्में लेट होंगी तो जाहिर है फिल्मों का क्लैश होगा और कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा। आने वाले दिनों में और भी ऐसी टक्कर की खबरें सामने आएंगी, और जब भी टक्कर होगी तो फायदा होगा अच्छी फिल्म को। ABP News आपको रखे आगे।